खुशी जी आप, हम तो बस ऐसे ही। हम जानते हैं आप क्यों रो रही है। आपके पति केक काटने के लिए नहीं थे इसलिए ना। पर जरूर उन्हें कोई जरूरी काम होगा, है ना? क्या है ना, आज का दिन ही कुछ ऐसा है, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हम समझ सकते हैं, उस दिन तीज के दिन भी आप ऐसे ही उनका इंतजार कर रही थी। पर वो आए थे ना? लेट तो थे लेकिन आए थे। देखा, वैसे अगर हम एक बात बोले तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर फिर भी अब जो दिमाग में आ गया है तो हम बोल ही देते। क्या? ये केक काटना, उपहार देना, पार्टी, ये सब तो ऊपरी चीजें होती है। असली चीज तो रिश्तों का अटूट बंधन है। एक पति पत्नी का रिश्ता जिसे कोई रीति रिवाज, कोई रस्म या चाहे कितने भी पैसे खर्च क्यों ना किया, इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शक्ति तो पति पत्नी की आंखों में होती है, उनकी चुप्पी में होती है, और मुश्किल वक्त में चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में होती है। और केक तो आप कल भी काट सकते हैं, है ना? और अगर कोई इतनी अच्छी पत्नी को मायूस करके जा रहा है तो जरूर कोई पक्का कारण होगा, क्योंकि हमने तो सुना है कि आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी, तो है। तो फिर आपको और किस चीज की जरूरत है? वैसे तो आप इतने से हो लेकिन बातें बहुत अच्छी करते हो। हम मिठाई देकर आते हैं। चलिए बिटिया। जी मैम। बहुत ही स्पीड बना था ये दोनों लखनऊ सिस्टर्स। इतना मीठा भी ठीक नहीं है, थोड़ा नमकीन भी तो जरूरी है। हेलो, हाय, बाय बाय। यहाँ का करत हो? आप यहाँ क्या कर? पूछो नहीं, बस हेलो हाय। हेलो हाय यहाँ किसे? नीबू। What? हमरा मतलब है, तुम जो पिया थो ना, इमाई लेमन मिला दोगी तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी आ जाएगी। नहीं नहीं मामी जी, I'm perfect, मैं ठीक हूँ।
अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ चले? पूल साइड, हवा खाने, ठंडी खाओ पियो मजे उड़ाओ। बहुत ही बढ़िया बनाई है, पर का करी भेरी भेरी सारी आपकी मेकिंग पे हमका ब्रेक लगाए का पड़ी, आपकी खराब तो होए का पड़ी। अभी विटामिन सी पड़ी तभी सबके समझ में आई कि माजरा का है। कॉन्ट्रैक्टर जी, भेरी भेरी सॉरी। जल्दी चलो, मिठाइयों का टाइम हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया है। जी, चलो चलिए। किला का तुम्हारे गांव की है जो धीरे चलेगी, कितना टाइम लगा थो? आप चलिए ना, मैं करवाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अरे हम करवाए के लिए नहीं, कुछ खाए के लिए बैठे हैं। अरे बहुत ही तीखा खा लिए है, पूरा मुंह चलत है। और जल्दी से कोई मिठाई दे दो, कुछ कुछ मीठा खिलाइए, सिर्फ स्वीट खिलाइए। ये वो नहीं, वो नहीं, वो पेड़ा का पीस दीजिए। हाँ इतना खराब काहे स्मेल आ रहा है? क्या कीजिए, आप तिराई कीजिए। ये तो हो ही नहीं सकता, हमने तो ये इसे खा कर नहीं, सिर्फ सूंघ कर देखी। देखिए कैसे हो सकता है? कहा जानी, उठाकर कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को भी दे देते। वैसे कहा बात है ना कि ये लोग के यहाँ बैड मिठाई चलत है, लेकिन शांतिवन में नो 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 बिल्कुल नहीं। वैसन कॉन्ट्रैक्टर साहब, इतने साल में आप कंप्लेनिया का एक भी मौका नहीं दिए, ये बार ऐसा कैसन हुआ है? अरे एक भी मिठाई टेस्ट करने का मन नहीं करता है। देखिए हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, हम तो मैं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ। तुम्हीं ने कहा था ना कि इस पार्टी में तुम आना नहीं चाहती थी, इतनी मिन्नतों के बाद तुम यहाँ आई हो है? टोरिंग टर्निंग, और तुमने ये ऑर्डर लिया ही इसीलिए है ताकि मेरा नुकसान हो, मेरा नाम खराब हो जाए। अरे पूरा काही नहीं बोल देते कॉन्ट्रैक्टर साहब, बोल दीजिए ना, कोई रुपया नहीं मिलने वाला, नो रुपी। नहीं सर, हमारा विश्वास कीजिए, हम खुद ऐसा क्यों करेंगे? अरे पैसे की तो बात ही नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द हो गया तो पैसे की कहाँ बात आती है। अरे ये सब उठाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ की बनी हुई कोई भी मिठाई पार्टी में सर नहीं होगी।